हमारे सभी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। नमस्कार, मैं संतोष भगत, स्वतंत्र सागर न्यूज में आपका स्वागत है। नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA के विरोध में भारत के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि दिल्ली, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में प्रशासन ने उन जगहों पर धारा 144 भी लगा दी है, परंतु प्रदर्शनकारियों को जमा करके प्रदर्शन करने की जो घटनाएं हैं वो बढ़ती जा रही है पूरे देश में। और इन सारी घटनाओं में सभी जो है एक तरफ गुमराह हो रहे हैं, खुद को जहां पर गुमराह कर रहे हैं वहां पर सभी को गुमराह करने की जो दिक्कत है वो भी आगे बढ़ते जा रही। गलत सूचनाएं जो हैं बनी हैं और उसके कारण कई लोग आज अपनी जान भी गंवा बैठे हैं। और इस CCA और NRC से जुड़ी बिंदुओं पर हर बात को समझना, जहां तक हमने कल भी कहा था कि जरूरी है। सरकारी सूत्रों ने नागरिकता संशोधन अधिनियम पर अक्सर पूछे जाने सवालों पर जो प्रश्न के उत्तर दिए हैं उसके प्रश्न के उत्तर भी आज सभी जगह पर वायरल हो रहे हैं, इसको भी हमें समझना चाहिए। ऐसा नहीं है कि CCA अलग कानून है और NRC एक अलग प्रक्रिया है। CCA संसद से पारित होने के बाद देश भर में लागू हो चुका है, जबकि देश के लिए NRC के नियम और प्रक्रिया तय होने के अभी बाकी है। फिर भी आसाम में जो हालात हैं, जो आसाम में जो NRC की प्रक्रिया चल रही है वह माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश और असम समझौते के तहत की गई है। उसके बावजूद NRC को लेकर के पूरे देश में इस तरह से घटनाएं जो प्रदर्शन हो रहे हैं उसके जवाब में बिल्कुल यही कहा जा सकता है कि इसका किसी धर्म से कोई लेना देना नहीं है। यह भारत के सभी नागरिकों के लिए होगा। यह नागरिकों को केवल एक रजिस्टर है जिसमें देश के हर नागरिक को अपना नाम दर्ज करना होगा। और इसमें अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये सिर्फ मुस्लिम धर्म के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है और इसे पूरे देश में जो है लागू किया जाएगा। असम की जो समस्या है इसको लेकर के पूरे देश की समस्या को जोड़ना ये वहाँ तक ठीक नहीं है। वहाँ घुसपैठ की समस्या लंबे समय से चली आ रही है, इसके विरोध में वहाँ 6 वर्षों तक आंदोलन भी चला है। इस घुसपैठ की वजह से राजीव गांधी सरकार को 1985 में एक समझौता करना पड़ा था। इसके तहत घुसपैठियों की पहचान करने के लिए 25 मार्च 1971 को कट ऑफ डेट माना गया था, जो NRC का आधार है। अब आप ये देख रहे हैं पूरी घटनाएं किस तरह से विपद्रव मचा हुआ है, किस तरह से NRC के खिलाफ जो है पूरे देश में इस प्रकार से जो नवयुवक है वो जो है प्रतिकार कर रहे हैं। अब इसको आगे जाकर क्या ये घटनाएं जो है अपने आप में एक साबित होगी, इसको हम आगे देखेंगे। We'll be right back.